नमस्कार मोदी फॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बाद में आने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? कुषाण। कुषाण चीन के किस जाति से संबंध थे? यूची व तोखरी। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कोजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम क्या है? कनिष्क। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? कनिष्क के द्वारा। कनिष्क ने राज्यसभा कब संभाला? 78 ईस्वी। कनिष्क अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैलाया था? मध्य एशिया से सारनाथ तक। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी एवं संरक्षक था? बौद्ध धर्म का अनुयायी एवं संरक्षक था। कनिष्क के शासनकाल में कौन सा संगीति कुंडल वन में हुई थी? द्वितीय संगीति। किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान की अध्यक्षता में चौथी संगीति हुई थी? वसुमित्र। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान संप्रदाय। कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक रहा? 78 ईस्वी से लेकर के 102 ईस्वी तक। बौद्ध धर्म का विस्कोप किसे कहा जाता है? चरक को। चरक ने किसकी रचना की थी? चरक संहिता। बुद्ध चरित किसकी रचना है? अशोक घोष की। सूत्र अलंकार की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र के इस पुस्तक में किस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? सापेक्षता का सिद्धांत। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईसा पूर्व। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। द्वितीय अशोक की संज्ञा किस शासक को दी गई है? कनिष्क को। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के दरबार का महान राजनीतिज्ञ का नाम क्या था? मधर। कनिष्कपुर और सिरमुख नगरों की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सर्वप्रथम कौन था? कुषाण। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? कुषाण के काल में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला के क्षेत्र में। नागार्जुन अशोकवश और वसुमित्र किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? कुषाण वंश के शासकों ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक है? मथुरा संग्रहालय में। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकाल की गंधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी शैली। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? इंडो ग्रीक यानी विक्टोरियन ग्रीक। कौन सा कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? कनिष्क।